हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेंटेंस मेकिंग। हम अपने बच्चों को किस तरह, छोटे बच्चों को सेंटेंस बनाना सिखा दें जिससे वो आगे चलकर आसानी से इंग्लिश बोल सके और इंग्लिश भी लिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं जो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। अगर हम इनको अरेंज करके लिखेंगे और इसको विद रूल लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल क्या होता है। रूल इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी, फिर होगी आपको वर्ब की जरूरत और उसके बाद होगी ऑब्जेक्ट की जरूरत। अब समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है या जो काम करता है, जो कार्य कर रहा है उसके बारे में जो बात होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई नाम आ जाए कहीं पर, जैसे प्लेस का किसी का नाम आ जाए, जैसे आगरा, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, इस तरीके से कोई नाम आ जाए, या किसी पर्सन का नाम आ जाए, राम, श्याम, इस तरीके से, या किसी वस्तु का नाम आ जाए, टेबल, चेयर। तो ये सब क्या होता है, जहां पर किसी का नाम आ जाए और उस वो काम कर रहा है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं हम वर्ब की। वर्ब क्या होता है, वर्ब है हमारा जहां पर लगता है, देखिए, इज, आर, एम, हैज, Have, was, were, ये सब क्या होते हैं, हमारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे बीच में, जैसे ही इज अ बॉय, तो इज क्या हो गया उसमें वर्ब, यू आर अ बॉय, तो आर यहाँ पर क्या हो गया वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, जो बीच में क्रिया को कहते हैं वैसे इंग्लिश में, लेकिन जो बीच में लगते हैं वो उसको हम वर्ब कहते हैं। थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, हर, या जिसके ऊपर कार्य हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब पहले सेंटेंस मेकिंग की ओर चलते हैं कि सेंटेंस मेकिंग हमको किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हम देख सकते हैं, एम तो है नहीं, मैंगो भी नहीं है, ईटिंग भी नहीं है, और आई, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई यानी सब्जेक्ट, आई मीन्स मैं। तो यहाँ पर और सेंटेंस मेकिंग में एक रूल और ये होता है कि हमारा पहला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है। तो आई, आई कैपिटल हमने बना लिया। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब। ये हम, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, एम इज आर एम, ये हमारे वर्ब होते हैं। तो एम क्या है यहाँ पर, हमारा वर्ब, आई एम। फिर हम वर्ब के साथ क्या क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर ये भी हमारा वर्ब है, यानी ईटिंग करने का काम हो रहा है। तो काम क्या कर रहे हैं हम, ईटिंग का। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम ईटिंग, क्या ईट कर रहे हैं हम, मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। तो मैंगो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा मैंगो। तो आई हमारा सब्जेक्ट और एम और ईटिंग भी हमारा वर्ब और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि आपने अभी ये बताया था कि जहां पर नाम आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, बट जहां पर नाम, जिस चीज का नाम आए तो वो जरूरी नहीं है वो सब्जेक्ट के फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट में बताया था यहाँ पर कि जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, यानी आम के ऊपर कार्य हो रहा है, यानी खाने का काम तो आई कर रहा है, लेकिन क्या खा रहा है वो, आम खा रहा है। तो मैंगो क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मैंगो के ऊपर खाने का काम हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देख लेते हैं, इज माई दिशा फ्रेंड बेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दिशा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट है दिशा, तो ये डी जो है हम यहाँ पर कैपिटल बनाएंगे, दिशा। फिर इज जो मैंने आपको बताया था ये वर्ब है हमारा, दिशा इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर ये पूरा सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में हमें फुल स्टॉप जरूर लगाना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए चॉकलेट लाइक आई, तो आई मैंने आपको बताया था क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम हमेशा कैपिटल में इधर को लिखेंगे जब हम शुरुआत में लिखेंगे। तो
आई, फिर लाइक यहां पर क्या है, वर्ब है, आई लाइक चॉकलेट, चॉकलेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, चॉकलेट, तो चॉकलेट यहां पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, यानी चॉकलेट के ऊपर कार्य हो रहा है, पसंद होने का काम हो रहा है, तो चॉकलेट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, तो आई लाइक चॉकलेट। कैट ब्लैक इज इट, तो ये इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इट इज हमारा वर्ब हो गया, अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट, तो ब्लैक कैट, ब्लैक वैसे तो अगर हम और ज्यादा इसको डीपली पढ़ेंगे तो ब्लैक हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव वो होता है जिसमें हम किसी की विशेषता बताते हैं। इससे पहले भी मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा, ब्लैक, और कैट क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, तो इट इज अ ब्लैक कैट। नेशनल लोटस फ्लावर इज अ, तो ये लोटस क्या है, क्योंकि लोटस के बारे में बात हो रही है, तो लोटस यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट, लोटस के बारे में बात हो रही है तो लोटस हमारा सब्जेक्ट बन गया है, तो हम लिखेंगे लोटस इज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लोटस इज अ नेशनल फ्लावर, तो नेशनल फ्लावर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, लोटस इज अ नेशनल फ्लावर, तो इस तरीके से बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रदर इज माई ही, तो ही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ही शी इट आई, ये सब हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट, तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, ही इज, वही आ गया वर्ब, ही इज माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या हो गया यहां पर, ब्रदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ही इज माई ब्रदर, तो ब्रदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ही इज माई ब्रदर। डांसिंग इज शी, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो यहां पर कैपिटल करके लिखेंगे, शी इज हमारा वर्ब है, शी इज, और डांसिंग क्या हो गई हमारा, ऑब्जेक्ट, शी इज डांसिंग, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, शी इज डांसिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग ये कंप्लीट होता है कि किस तरीके से हम छोटे छोटे अगर पहले सेंटेंस बच्चों को देंगे तो वो बनाना सीखेंगे, और उसके बाद आप बड़े बड़े सेंटेंस भी उन्हें दे सकते हैं जिससे वो आसानी से उसे सीख सके। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए इस वीडियो में से कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।